नमस्कार दोस्तों, मैंने देखी आदि पुरुष स्टेरिंग राधे श्याम राबता एंड लाल कप्तान। अब मैं ये सोच रहा हूँ कि यार जब हम ऐसा सोचते हैं ना कि पूरी दुनिया में सारे लोग अच्छे हैं, बस तभी लोग फायदा उठाना शुरू कर देते। आज मैं आदि पुरुष देख के आ रहा हूँ एंड द शो वॉज लिटरली हाउसफुल एंड द फिल्म वॉज अनबिलीवेबल। यार पूरे 3 घंटे की पिक्चर देखने के बाद ऑडियंस ने लिटरली ये कहा था कि चलो अब रिफंड के लिए लाइन लगते हैं। मैं सबसे पहले भूषण कुमार का शुक्रगुजार करना चाहता हूँ जिन्होंने इस फिल्म को बनाने के लिए 500 करोड़ डाला एंड खुद ही इस फिल्म का टिकट खरीदा एंड खुद ही फ्री में बांटा भी एंड सारे के सारे अपने बॉलीवुड एक्टर से इन्होंने प्रमोशन भी कराया एंड बोला कि भाई साहब तुम्हारे सारे लोगों के फिल्मों में पैसा मैं लगाने वाला हूँ, इसलिए अभी मेरी लगाने से बचाओ एंड फिल्म का प्रमोशन कर डालो। अब देखो, जिन्होंने रामायण देखी वो इस फिल्म को जरूर देखना ताकि आपको मालूम पड़े कि सच्ची भक्ति कितनी कठिन होती है, क्योंकि ये फिल्म एक आसान एक दिखावे वाली भक्ति का नतीजा है जो इनके मेकर्स में था। अब अगर आदि पुरुष इस फिल्म को मैं एक लाइन में रिव्यू करूँ तो इतना ही कहूंगा कि यस फाइनली तानहाजी वॉज डायरेक्टेड बाय अजय देवगन। क्योंकि ये फिल्म देखने के बाद मुझे ऐसा महसूस हुआ कि अंग्रेज हमसे आजाद होके गए। ये फिल्म को लोग विश्वास के साथ नहीं, एक डाउट के साथ देख रहे थे क्योंकि उन्हें डर था कि ये फिल्म कहीं और चौपट ना कर दे, बट थैंक गॉड फिल्म पूरा का पूरा ही चौपट निकलती है। अब जब फिल्म आधे तक पहुंच जाती है तब आपको रियलाइज हो जाता है कि ये फिल्म का हमारे वाल्मीकि रामायण से कोई दूर दूर तक लेना देना नहीं है, क्योंकि ना इस फिल्म में कनेक्शन है, ना फीलिंग है, ना ही कोई डेप्थ है। इनफैक्ट आप प्राउड होना तो छोड़ो, इस फिल्म को आगे जाके इंपॉर्टेंट देना भी बंद कर दो, क्योंकि इतनी घटिया है ये फिल्म। एंड इस फिल्म को देखकर आप बोल दो कि यार इसके मेकर्स ये प्रूफ करना चाहते हैं कि काम ऐसा करो कि चार लोग बोल दे कि साला काम ही क्यों किया चूती है। अब जैसा कि फिल्म में वाल्मीकि रामायण का डेप्थ ना दिखाते हुए फिल्म में एक्स्ट्रा गाने, एक्स्ट्रा फालतू के छपरे डायलॉग्स, इनफैक्ट सिनेमेटिक लिबर्टी लेते हुए अपने आप को मार्वल समझ बैठती ये फिल्म। एंड डायलॉग्स की बात करूं तो अगर मेरी बहनों को कोई छेड़ा तो हम उनकी लंका लगा देंगे, तेल तेरे बाप का, लंका तेरे बाप का। अरे भाई साहब, अगर आप ये सारे सामग्री डाल के आप ये सोचते हो कि हम इसको इतना मॉडर्नाइज कर देंगे कि यूथ को समझाने में बहुत आसान हो जाएगी, तो हम इतना समझ गए कि आपने यूथ को ही चूतिया समझा है कि वो एकदम ही ना समझे। फिल्म की मेकिंग की बात करूं तो ऐसा लगता है कि मानो जैसे गुंगा बोल रहे हैं कि अंधा अच्छा ड्रॉइंग करता है। VFX की बात करूं तो बजाज फाइनेंस से लिया गया VFX नजर आता है। बाकी एक ही चीज कहूंगा कि प्लीज इंडिया के बाहर किसी को भी मत बोलना कि ये फिल्म 500 करोड़ की है, क्योंकि उसके बाहर अगर किसी ने भी देखा ना तो जो लोग फिल्म बनाते थे वो लोग फिल्म बनाना छोड़ के गांजा बेचने लगेंगे, और जो ये फिल्म को देख लेंगे वो लोग अपना नेत्रदान कर देंगे। फर्स्ट हाफ तो फिर भी देख सकते हो, सेकेंड हाफ तो आपका इतना दम टूटेगा एंड ऐसा लगेगा कि मानो KGF के सेट पे मार्वल का शांची लड़ रहा है। पूरा काला, चार चार टॉर्च मार के देखोगे तो भी कुछ नहीं दिखेगा। अब परफॉर्मेंस की बात करूं तो सबसे पहले प्रभास की बात करूंगा। अब प्रभास यार हैट्स ऑफ, मतलब प्रभु श्री राम छोड़ के वो बाकी सब नजर आते हैं। इनफैक्ट जब जब वो स्क्रीन पे आते हैं उनमें मौजूद वानर सेना भी कंफ्यूज हो जाते हैं कि भाई साहब ये आया कौन है। अब सैफ अली खान इस फिल्म में डबल रोल प्ले करते हुए नजर आते हैं, एक रावण का कैरेक्टर भी प्ले करते हैं एंड एक मुगल का कैरेक्टर भी प्ले करते हैं एंड आपको वो कंफ्यूज करते रहते हैं कैरेक्टर की वो इस समय मुगल है या रावण है। इनफैक्ट ओम राउत डायरेक्टर का मैं मानना पड़ेगा कि यार वो जैसे रावण के मुंह 10 थे वो एक सेगमेंट में थे, एक लाइन में थे, लेकिन ओम राउत ने बोला कि यार इतना ट्रबल हम रावण को क्यों दे, एक काम करते 5 मुंह नीचे के रो में रखते, 5 मुंह ऊपर के रो में रखते। नसीब रावण के 6 मुंह नहीं थे, नहीं तो वो आइसक्रीम के कोन के डिजाइन में रखते थे। अच्छा, पूरी फिल्म एक तरफ रखो एंड रावण के रोल में सैफ अली खान के वॉकिंग स्टाइल को एक तरफ रखो, वो कैसे चलते दिखा दो, ऐसे ऐसा लग रहा है सर पे पतरा लग रहा है। बाकी कृति सरन प्रॉमिसिंग लगती, गाने अच्छे, BGM अच्छे, लेकिन अंदर से आपका दिल टूटेगा एंड आप ये जरूर बोल दोगे कि काश ये फिल्म बनी ही ना होती, मेरा तो 1 रुपये वसूल नहीं हुआ, मैंने तो हक से 3D का चश्मा चुराया, मैंने बोला कि मैं लेके जा रहा हूँ, लेके जाओ, वो बोला सर हक है आपका, चेयर भी लेके जाओ, ऐसा हाल हो गया था। सो ओवरऑल 500 करोड़ के बजट में बनी आदि पुरुष हमें ये सीख जरूर देती है कि अगर पैसा को आप दवा की तरह इस्तेमाल करोगे तो ठीक रहोगे, लेकिन पैसा को अगर आप नशा की तरह इस्तेमाल करोगे तो ठिकाने लग जाओगे। बाकी 3 दिन तो हंसता खेलते पिक्चर चलेगी, 4th दिन पे तो रावण खुद आके कह देंगे कि बेटा समय समाप्ति की घोषणा हो गई है। अगर आप लोगों को मेरा रिव्यू डिसअपॉइंट करता हुआ नजर आता तो प्लीज इस फिल्म को जरूर देखने जाना, देखना आप रो के बाहर निकलोगे, स्पेशली इसलिए कि यार हम मुश्किल से रामायण बनाए हैं और बना भी तो ऐसा। एंड जाते जाते इतने ही कहूँगा कि अगर मेरा सच रिव्यू आपको चुभ रहा है तो फिर झूठ सुन के भटक जाओ, गोटी पकड़ के लटक जाओ, यही होगा, आप जब सुनोगे आपको मालूम पड़ जाएगा। बाकी अगर रिव्यू अच्छा लगे तो फिर सब्सक्राइब कर देना, नहीं अच्छा लगे तो फिर बेझिझक गाली दे देना। मिलते अगले वीडियो में, बाय।